बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस शान से अल्लाह ने उतारे है मुहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे है मुहम्मद। नबीसत मुसल अकराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सत्य अली वक्कार दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफ्ताब था लेकिन डूबा डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजे उजे हुए थे, खजान ने पहाड़ों लूट गए, चमन ने राम कर दिया था कि अचानक मेरे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल्लिलालमीन बनाकर भेजा गया। और रहमतुल्लिलालमीन की उम्र से सैराओं में चश्मे फूलते हैं, जिनके सवारे से बीमार उनके से अजाब हो जाती है। वो रहमतुल्लिलालमीन जिस पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल्लिलालमीन जिसकी कुर्बत अबबकर को सद्दीक, उस्मान को अली, उमर को फारूक और अली को शेरे खुदा बना देती है, जिसकी नस्बत फातिमा को खातून ने जन्नत, हुसैन को सैयदुल शुहदा का दर्जा अता करती है। मैं इस रहमतुल्लिलालमीन की शान क्या बयान करूं, मकामे महमूद जिसके इंतजार में है, जन्नत सवर कर जिसके इंतजार में है, वो अपने चचा अमीर के कातिल को भी माफ करने वाला, मक्का फतह करके आ माफी का ऐलान करने वाला, मेरा रब जिनकी जुल्फों की कसमें उठाए वल्लाह लीदा सजा, मेरा रब जिनकी शहर की कसमें उठाए वहाँ अल बाला दिलामी, जिन्हें मेरा रब कभी हबीब कहे कभी खलील कहे, कभी ताहा कहे कभी यासिन कहे और कभी मुदस्सिर कहे। हाँ हाँ सत्य अली वक्कार, उसी रहमतुल्लिलालमीन को उम्मत के दर्द में सजदों में रोता हुआ देखती हूँ, जिस तरह लब से लब मिलते हैं नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब मिल जाएं इस नामे मोहम्मद के सबब।